सर्टिफाइड कॉपी 69,000 भर्ती हाई कोर्ट ऑर्डर का 19,000 सीटों की गड़बड़ी हुई है, 6800 की लिस्ट रद्द कर दी गई है। अब डबल बेंच से जीत कैसे होगी और क्या प्लानिंग कर रहे हैं भास्कर यादव जी, तो इस वीडियो में संपूर्ण बात करेंगे और भी मुद्दों के बारे में बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट नेता सच्चा भर्ती से हैं। मैं राम सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल जेट बोल ऑनलाइन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 13 तारीख को हाई कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद में 6800 की लिस्ट निरस्त कर दी गई और डबल आरक्षण का मुद्दा आ गया और जो अभ्यर्थियों ने बहस की थी या सरकार की तरफ से हुई थी या 19,000 सीटों की तरफ से हुई थी उसमें जैसा कि बहुत ही चौंका देने वाला ऑर्डर आ गया है, पूरी लिस्ट को रिवीट कर दिया है और 3 महीने का टाइम भी दिया है। तो महानिदेशक का सरकार भी कहना है कि कुछ टाइम 3 महीने जल्दबाजी है। तो ये सभी मुद्दे हैं और आज के प्रकाशित अखबार में क्या न्यूज आई है उन अखबारों पर पहले प्रकाश डाल लेते हैं, उसके बाद में अपनी चर्चा करेंगे और सर्टिफाइड कॉपी के लिए क्या किया जा रहा है वो भी आपको संपूर्ण अपडेट बताएंगे। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में आरक्षण सीट जाएंगे डबल बेंच, तो डबल बेंच जाना तो तय था, चाहे सिंगल बेंच वाले चाहे 6800 वाले जाए, चाहे 19,000 सीटों के घोटाले का आरोप लगाने वाले अभ्यर्थी जाए या फिर सरकार जाए, तो ये तो डबल बेंच में पहले ही हमने बताया था कि डबल बेंच में भर्ती जाएगी, तो वही हुआ कि डबल बेंच में की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब हाई कोर्ट ने दिया है चयन सूची रद्द कर रिव्यू का आदेश, पीड़ितों ने शिकायती पत्र में लगाया 19,000 सीटों की गड़बड़ी का आरोप। अब शिकायत पत्र जो दिया है उसमें 19,000 सीटों का आरक्षण घोटाला बताया जा रहा है, जबकि सरकार ने 6800 लिस्ट को ही माना था कि इसमें गड़बड़ी हुई है और उन्होंने वो गड़बड़ी सुधार दी है। बट आप लोगों की राय क्या है, कि 6800 ही सही है कि 19,000 पूरी सीट मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर करें जिससे कि आपका भी रिव्यू मिले और आपकी बात को आगे तक पहुंचाया जा सके। तो प्रयागराज से बड़ी अपडेट है, बेसिक शिक्षा की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में चयन सूची को गलत मानते हुए दोबारा रिव्यू करने के लखनऊ हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश के बाद मामला और उलझ गया है। इस भर्ती में आरक्षित वर्ग में बाद में चयनित 6800 अभ्यर्थियों की सूची खारिज करने के बाद इन अभ्यर्थियों ने लखनऊ में विरोध शुरू कर दिया है। इधर पिछला दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप एवं संरक्षक भास्कर सिंह यादव ने कहा है कि वह लखनऊ हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट की डबल बेंच में विशेष अपील जल्द दाखिल करेंगे। आरक्षण पीड़ित ओबीसी तथा एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने गुरुवार को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को पत्र एवं ईमेल के माध्यम से बताया है कि इस शिक्षक भर्ती में 19,000 से अधिक सीटों का आरक्षण की गड़बड़ी हुई है, 3 साल की लड़ाई के बाद भी उन्होंने न्याय नहीं मिल पाया है। इस भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह 3.10% तथा एससी वर्ग को 21% की जगह 16.2% आरक्षण दिया गया है। इसे बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन बताया है। संयुक्त मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी का कहना है कि ओबीसी एवं एससी वर्ग के अभ्यर्थियों की ओवरलैपिंग गलत ढंग से कराई गई है जिससे कि उन्हें पदों का नुकसान हुआ है, मांग की है कि उनके साथ न्याय किया जाए। इधर कोर्ट के आदेश के बाद सरकार के रिव्यू में कुछ और बड़ा उलटफेर भी हो सकता है। अब उलटफेर बड़ा हो सकता है कि इट मींस आपको यहाँ पर क्लियर है कि या तो कुछ अभ्यर्थी बाहर जा सकते हैं या फिर कुछ अंदर आ सकते हैं, और यहाँ पर जो अभी तक आइडिया लग पा रहा है वो 50-50% सभी वर्गों को नुकसान हो सकता है। बाकी जो विशेष डिटेल कट ऑफ वाला मुद्दा की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कितनी सीटें, कितना क्या है, क्या हो सकता है, सारी की सारी पॉसिबिलिटी आपके सामने होनी है। वही दूसरी ओर दैनिक जागरण अखबार भी छापता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण पीड़ित जाएंगे डबल बेंच, यहाँ पर पूरा का पूरा ये शॉर्ट इन शॉर्ट में लिखा हुआ है जो कि मैंने सारी चीजें आपको पहले अमर उजाला के अखबार से बताई थी। अब बात कर लेते हैं भास्कर यादव जी का क्या मानना है। तो भास्कर यादव जी लगातार
दो दिन से हाई कोर्ट में पहुंच रहे हैं और पूरी ब्रीफिंग के साथ में क्या हो सकता है डबल बेंच में और एटीआरई पर उनकी टीम कैसे जीतेगी, 19,000 सीटों का जो घोटाला हुआ है वो कोर्ट के माध्यम से किस तरीके से हम उनको हासिल कर पाएंगे, इन सभी मुद्दों को लेकर बने हुए हैं। वहीं पर आज भास्कर यादव जी दोपहर को लाइव आएंगे तो इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को लाइव पूरा का पूरा जानकारी हाईकोर्ट से दिखा दी जाएगी, क्या अपडेट चल रही है, क्या कार्रवाई हो रही है मृतक शिक्षक भर्ती पर। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आप लोगों को लाइव अपडेट जैसे ही दोपहर में आएगी तो सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी के साथ आपको मिल जाए। अब बात कर लेते हैं कि रिव्यू मतलब सर्टिफाइड कॉपी के लिए, तो भास्कर यादव जी ने एक अपील फिर से कर दी है सर्टिफाइड कॉपी निकालने के लिए। मैं दिखा दूं आप लोगों को यहाँ पर नंबर 235 पे एप्लीकेशन फॉर द कंप्यूटराइज्ड ऑथेंटिक कॉपी, मतलब कि सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने के लिए दिया। ये तारीख क्या यहाँ पर देख सकते हैं आप, 15/3/2023 को ये सबमिट कर दिया गया है और डिप्टी ज्वाइंट रजिस्ट्रार हाईकोर्ट इलाहाबाद में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अब पूरी की पूरी सर्टिफाइड कॉपी की प्रोसेस कर दी है और आज वो हाई कोर्ट भास्कर यादव जी पहुंचेंगे। यहाँ पर आप लोग अपना नंबर भी देख पा रहे होंगे कि बिल द रिट नंबर 13/156/2020 मनपाल एंड अदर्स वाली याचिका है और पिटिशनर नेम भी यहाँ पर है और डेट की जजमेंट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी 13/3/2023। और आज ये फिल कर दी है और ये जैसे ही सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी भास्कर यादव जी को तो उसके बाद लाइव आएंगे। लाइव आने के बाद में कल से ही ड्राफ्टिंग का काम स्टार्ट करवा देंगे जिससे कि जल्द से जल्द डबल बेंच में इस अपील को किया जाए, स्पेशल अपील को। और जो एटीआरई पर जो एक पहले आदेश में सिंगल बेंच में एटीआरई को पार्ट माना था, भर्ती प्रक्रिया का आरक्षण का पार्ट नहीं माना, भर्ती प्रक्रिया सिर्फ एक पार्ट माना गया था एटीआरई में, और फिलहाल अब इसमें इसको आरक्षण मान लिया गया है। अभी जो हाई कोर्ट ऑर्डर आया तो उसके विपरीत दो ऑर्डर नहीं हो सकते और उनका मानना है कि जितने भी टेट पास अभ्यर्थी हैं सुपर टेट पास तो उनको सभी को नौकरी नहीं मिलेगी, उसके बाद मेरिट बनती है, मेरिट में अभी चयनित होंगे नहीं होंगे ये एक बात का विषय है, कट ऑफ का मैटर पड़ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपील कर दी गई है सर्टिफाइड कॉपी के लिए, उन्होंने कहा कि जैसी सर्टिफाइड कॉपी आ जाएगी उसके बाद में अधिवक्ताओं के साथ में लगातार संपर्क में और विशेष मीटिंग करने के बाद में ये सारी की सारी अपडेट आपको दे दी जाएगी और डबल बेंच में जीत हमारी सुनिश्चित है, ऐसा उनका मानना है। क्या अब सरकार को क्या करेंगे सरकार, या एकमात्र जो विकल्प दिखाई दे रहा है वो संपूर्ण समायोजनी है। तो संपूर्ण समायोजन के पक्ष में सभी अभ्यर्थी हैं, चाहे 6800 हो, चाहे 19,000 सीटें हों या फिर जनरल के अभ्यर्थी हों। अब देखना ये संपूर्ण समायोजन सरकार करती है कि नहीं करती है या फिर डबल बेंच में फिर से लड़ेगी। अब ये पॉइंट रहेगा कि डबल बेंच में सरकार जाके 6800 के पक्ष से लड़ेगी या फिर एटीआरई पर बहस करेगी। तो अब जो भी अपडेट निकल कर आएंगी, आज फिर से धरना दे रहे हैं अमृत सिंह बाहुबली, और जो भी अपडेट वहां से निकल के आएगी एससीईआरटी से वो भी आपको अपडेट करा देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।